हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग जगह पे, और ये काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी नॉलेज देगी आपको ये जगह। और एक ये म्यूज़ियम है, काफ़ी बढ़िया म्यूज़ियम है मेरे सामने, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आए आज प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर, और आप देख सकते हो ये एंट्री गेट है, यहाँ पे जस्ट बैक साइड में एंट्री गेट है। तो अपने साथ प्लीज़ ID और लेके आना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। और यहाँ पर पार्किंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पार्क एट योर ऑन रिस्क, यहाँ मतलब फ्री है। तो अपना हेलमेट वेलमेट आप अपने साथ ही ले जा सकते हैं, अंदर लॉकर वगैरह है। तो अंदर लॉकर वगैरह है वहाँ पे, तो हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ टिकट्स के क्या प्राइजेस हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा के बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे टिकट काउंटर के पास में, तो काफ़ी सारा यहाँ पे क्राउड आया हुआ है। स्कूल की बहुत सारी बसेज आई हुई है मेरे पीछे, पार्किंग के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, और काफ़ी क्राउड है, सैटरडे का टाइम है। तो ये टिकट काउंटर है मेरे ठीक सामने यहाँ पे, और अभी जस्ट मैं इधर से आया हूँ, जैसे ये लोग आ रहे हैं इधर से होते हुए मैं इधर आया हूँ, और ये पूरा टिकट काउंटर है। तो अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और देखते हैं क्या क्या प्राइजेस हैं अंदर। तो गाइस, जैसे कि मैं आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे टिकट बुक करा दी है, और मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट से, ऑनलाइन ही टिकट बुक कराई है प्रधानमंत्री संग्रहालय की वेबसाइट से। तो यहाँ पे आज सैटरडे संडे की वजह से क्या कि 50 रुपीज़ की टिकट्स होती है, पर आज लेकिन 100 रुपीज़ की लगी है। तो क्योंकि आज सैटरडे संडे वीकेंड की वजह से, तो ये देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने वो एंट्रेंस गेट है जिससे हमने अभी एंट्री करी थी। और ये कितना यहाँ पे देखते हो, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और जस्ट मेरे ठीक सामने ये वेलकम गेट है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और यहीं से हमारी टिकट वगैरह चेक होगी और अंदर जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो चलिए, फिर यहाँ देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, ये देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ वेलकम लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है। तो हमारे सामने ये रखा हुआ है मॉडल पूरे प्रधानमंत्री संग्रहालय का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम अंदर चलते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और हमारे सामने जैसे कि बैठे हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पे इनकी पूरी वैक्स डमी है ये, और ये पूरा इनका कक्ष है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इन्हें रीड्स कर सकते हैं। अब हम ये आगे ऑडियो रूम में, यहाँ पे आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ते हैं यहाँ पे। और अब ये आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम में, यहाँ पे हमारा संविधान रखा हुआ है और सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे संविधान को, कि ये जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब ये रूम आ गया है, जवाहरलाल नेहरू जी का ये रूम है, यहाँ पे ये स्टे करते थे और सारे वही इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं यूनिफॉर्म है जवाहरलाल नेहरू जी की, कि जैसे वो पहना करते थे, वो गुलाब का फूल उनके हमेशा रहता था। और ये ऐसे ही ये बैट्स हैं यहाँ पे, शायद इस टाइम पे ये यूज़ करते होंगे। तो अब चलते हैं हम आगे, अब स्टडी रूम की तरफ हम जा रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं तो ये स्टडी रूम आ गया है, और यहाँ पे क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जी पूरी अपनी जो भी देश के बारे में हमारा चलता था वो सारा यहीं पे स्टडी करते थे कि आगे क्या करना है उनको। तो ये पूरा स्टडी रूम है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे रूम की तरफ आ गए हैं, ये लिविंग रूम है, यहाँ पे सारी मीटिंग्स वगैरह जवाहरलाल नेहरू जी करा करते थे। आप देख सकते हैं सारा वैसे ही स्ट्रक्चर रखा हुआ है जैसा उस टाइम पे हुआ करता था, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, सारी उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी हुई है, उसी टाइम का पंखा है, सोफे वगैरह सब उसी टाइम के हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई है, और पूरा स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है कि कितने लोग उनके साथ हो गए थे जब वो एक्सपायर हुए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज, यहाँ पे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अपने देश के बारे में जैसे कि हमारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अब जैसे कि हम यहाँ पे दूसरे रूम के अंदर आए हैं, यहाँ पे सारे गिफ्ट्स वगैरह थे जो जो हमारे प्रधानमंत्री जितने भी थे उनको मिले थे। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के गिफ्ट्स रखे हुए थे, यहाँ पे एक नरेंद्र मोदी जी के भी गिफ्ट्स रखे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर गिफ्ट्स हैं यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी को जो मिले हुए हैं। उनमें से एक ये वाला गिफ्ट है जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसकी पूरी फुटेज ली है। और ये आप देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अब हम आ गए हैं बाहर, यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय की जो बिल्डिंग है मेन, उसके अंदर हम आ गए, और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे व्यू है, फुल सिक्योरिटी है। तो चलते हैं अब हम अंदर और आपको दिखाते हैं।
तो हम अंदर आ चुके हैं और ये हमारे सामने रखा हुआ है नेशनल नेशनल साइन, हमारे जो नोट के ऊपर भी आपने देखा एनथम। होगा आपने। और काफ़ी अच्छा हॉल था यहाँ पे, फुली एयर कंडीशनर था और काफ़ी, ये सामने रिसेप्शन है हमारे, और ये देख सकते कितना अच्छा लग रहा है लहराता हुआ तिरंगा। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को अभी तक यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी जी के बारे में सारा यहाँ पे है, और बीच में हाथ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था ये डिज़ाइन, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था। और इसे देखने के बाद मतलब आप बोर नहीं हो सकते, ये जगह ऐसी है नहीं कि आप बोर हो जाओगे। और ये उस टाइम के कंप्यूटर्स हैं जो, और यही ऐसा टेलीफोन बूथ, काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग होंगे शायद उन्होंने देखा भी होगा कि ये टेलीफोन बूथ है यहाँ पे। और चलिए अब चलते हैं हम आगे और थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे वहाँ पे और बहुत मस्ती कर रहे थे, तो चलिए चलते हैं आगे काफी फटाफट बड़ा से। है। अब यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, इसके ऊपर हमारे को रिव्यू देना था कि कैसा हमारे को यहाँ पे लगा और 2047 तक मतलब हमारा विजन क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा केशव जी व्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम आ गए कैफ़े के अंदर, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा कैफ़े था और काफ़ी क्राउड था यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो रेट्स थे काफ़ी रिजनेबल थे। तो मैं दिखाने की भी कोशिश करता हूँ आपको रेट्स, तो इतना मतलब वहाँ पे थोड़ा सा सब लोग इन्जॉय कर रहे थे तो मैंने बाहर चलना ही प्रेफर समझा। तो हम चलते हैं, सोविनियर्स रखे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे कि बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं तो यहाँ से सोविनियर लेके जाते हैं एक पहचान के लिए कि हम इंडिया से आए हैं, तो उनकी भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारे सोविनियर्स हैं यहाँ पे, हर कोई ले सकता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पूरा ये प्रधानमंत्री संग्रहालय को मैंने विजिट कराया, घुमाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ आना चाहिए, अपने बच्चों को लेके आना चाहिए। काफ़ी स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हुए थे तो बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइजेस हैं इनके, कैफ़े भी है तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे यहाँ पे। तो प्लीज़ यहाँ पे एक कमेंट करके जरूर जाना मेरी वीडियो के नीचे, और फिर मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।